नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें, लखनऊ आगमन से पहले राहुल गांधी की पीसी चल रही थी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला भी बोला है। पीएम मोदी किसानों से मिलने लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गए? किसानों को जीप से कुचला जा रहा है, ये कहना था राहुल गांधी का। आज हम लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष का काम दबाव बनाने का होता है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी राहुल गांधी की, जिसमें वो साफ तौर पर सरकार पर हमलावर नजर आए। आज हम लखीमपुर जाने की कोशिश करेंगे, ये कहना है राहुल गांधी का। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कर परमिशन मांगी थी योगी आदित्यनाथ से, लेकिन वो परमिशन ग्रांट नहीं हुई, जिसके बाद ये निर्णय हुआ है कि राहुल गांधी के साथ में केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, साथ में दो और लोग, यानी कि तीन से चार लोगों का जो डेलीगेशन है वो पहुंचने की कोशिश करेगा लखीमपुर खीरी। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और इसी संदर्भ में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे लखनऊ आगमन से पहले। ये पीसी थी राहुल गांधी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का काम दबाव बनाने का होता है और हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी किसानों से मिलने लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गए? अगर सफर लखनऊ तक का तय हो सकता है तो थोड़ा और आगे भी जा सकते थे। तो वही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी। राहुल गांधी के ऐलान से प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रियंका गांधी से मिलने जा सकते हैं सचिन पायलट। आपको बता दें कि पीएससी की द्वितीय वाहिनी के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा हुआ है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। प्रियंका गांधी से मिलने के लिए सचिन पायलट जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लखीमपुर के लिए निकलेगा। प्रियंका गांधी से भी मुलाकात इस दौरान हो सकती है। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीतापुर से ये बड़ी खबर है और तमाम हालातों को देखते हुए सीतापुर में जिस क्षेत्र में प्रियंका गांधी को रखा गया है, उस क्षेत्र के आसपास जितने भी होटल्स हैं, तमाम क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा त्वरित प्रभाव से बंद कर दी गई है। और सीतापुर में तो इंटरनेट बैन है ही, दूसरी तरफ धारा 144 सीतापुर में लगाई गई है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेसी नेता अंशु अवस्थी और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली है। प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद हंगामा तेज हुआ है और वीडियो तेजी से अंशु अवस्थी का वायरल हो रहा है। आपको बता दें बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंशु अवस्थी की कोशिश थी कि प्रियंका गांधी से मुलाकात हो सके, वो निकल भी रहे थे, लेकिन पुलिस और अंशु अवस्थी के बीच में हंगामा देखने को मिला। अंशु अवस्थी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सीतापुर की अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंशु अवस्थी पहुंचे सीतापुर प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने मिलने नहीं दिया। और इस बीच तीखी नोकझोंक अंशु अवस्थी और पुलिसिया प्रशासन के बीच। और इन्हीं तमाम हंगामों के बीच चंदौली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा सुनिश्चित है, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। एक दिन पहले आईजी जोन वाराणसी से सभा स्थल का दौरा करते नजर आए। वहां पर उन्होंने हेलीपैड का मुआयना किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने हर बिंदु पर अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि सैयद रजा विधानसभा के पूर्वांचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कोरोना महामारी के कारण शिलान्यास कार्यक्रम आगे बढ़ गया था, लेकिन सीएम के आदेश पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू कर दिया गया था। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न करने चंदौली आ रहे हैं। इस दौरान सैयद राजा इंटर कॉलेज के मैदान में हेलीकॉप्टर उतरेगा और सीधे बरठी कमरौर गांव जाएंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। चंदौली से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? 3 बजे के करीब सीएम योगी यहां पे आएंगे, जिसके लिए हमारे पिता
तैयारियां काफी तेजी में चल रहा है और सभी सबसे प्रशासन भी मौजूद है। बता दें कि सीएम में करीब 2.5 लाख का दौरा है, मेडिकल कॉलेज अनाज के लिए जो 400 करोड़ के मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं उनके आने पर किसानों काफी उत्साहित है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी कोई ठीक है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो जितनी बात धर्मेंद्र की समझ में आई है वो तमाम दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं। सीएम योगी पहुंचने वाले हैं और काफी लंबे समय के बाद चंदौली का दौरा सुनिश्चित हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे यहां पर मेडिकल कॉलेज की सौगात के साथ साथ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि किसानों को भी कुछ बड़ी सौगात सीएम योगी की तरफ से मिल सकती है। तो वही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को लखीमपुर खीरी इलाके का दौरा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हिंसा के बाद से ही लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति सरकार से मांगी थी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक दलों और पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख दल के नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। तो लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू है, लखीमपुर खीरी जा पाएंगे राहुल गांधी, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करी थी, रात में ही निकली थी प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले। हालांकि जो सबसे पहले राजनेता लखीमपुर खीरी का रुख जिन्होंने किया था उनमें एक नाम प्रियंका गांधी का है, सबसे पहले उन्होंने रुख किया था लखीमपुर खीरी का, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, डिटेन किया गया। तीखी नोकझोंक भी इस बीच देखने को मिली थी। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या लगता है कि आज राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जा पाएंगे क्या, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासनिक रवैया है परमिशन नहीं मिली है, 4 से 5 सदस्यों के लिए भी परमिशन मांगी गई थी वो भी नहीं मिली है। हालांकि टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, उन्होंने मुलाकात भी कर ली है। दूसरी तरफ बार बार कांग्रेसी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप सबको जाने की अनुमति दे रहे हैं, दो दो चार चार लोगों को जाने की अनुमति दे रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों नहीं। देखिए बहुत अहम मुद्दा है, इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस ने जिस तरीके से लीड किया है वो अद्भुत है, और कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन थी उसको फिर से हासिल करने की कोशिश कर ली गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया कांग्रेस को। लेकिन अब सवाल इस बात का उठता है कि आज राहुल गांधी लखनऊ आने वाले हैं, 1:30 बजे उनको तकरीबन आना है, थोड़ी देर बाद उनकी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। जैसा कि हम कांग्रेसी सूत्रों की बात माने तो पिछले 3 दिन से लगातार कांग्रेस के जहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो लोग लखनऊ आए, लेकिन उनको एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो इसे जाहिर सी बात है कि आज जो राहुल आ रहे हैं तो उनको भी परमिशन नहीं दी गई है, उन्होंने लिखित परमिशन मांगी थी उनके वेणुगोपाल ने, वेणुगोपाल को परमिशन नहीं दी गई, प्रदेश सरकार ने लिखित उत्तर दिया कि धारा 144 लागू है। ऐसी स्थिति में अनिल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका जिक्र हम और आप कर रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की कोशिश होती है कि वो सरकार को घेरे और मजबूती के साथ घेरे ताकि जवाब दे सरकार, और हम वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं और वही जिम्मेदारी निभाने हम लखीमपुर जाना भी चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि वो अब राहुल जाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसे जिक्र कर रहे थे इस बात का कि अब की बार जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, जैसा कि सूत्र जाते हैं कि वो दिल्ली से प्रेस टीम भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वे लोग आते थे एयरपोर्ट पर रोक लिए जाते थे, उनकी बात जूम के जरिए जनता तक पहुंचती थी, अब वो वहां से अगर प्रेस टीम साथ में होगी तो वो लाइव करेंगे और जनता तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। जाहिर सी बात है कि प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से कोशिश की है या जिस तरीके से उनके अभी अब तक की तैयारी है, उस तैयारी के मुताबिक वो एयरपोर्ट के बाहर किसी भी कंडीशन में किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता को बाहर नहीं आने देंगे। अगर कांग्रेस नेता बाहर आता है तो वो लखीमपुर जाने की कोशिश करेगा, जब लखीमपुर जाने की कोशिश करेगा तो माहौल वैसे ही हो जाएगा जैसे प्रियंका गांधी लखीमपुर तक पहुंच गई थी, लखीमपुर के बॉर्डर पर उन्हें अरेस्ट किया गया, जबकि एक बहुत बड़ी घटना थी। आपको बता दूं कि जिस तरीके से रात में
आलम रात भर यात्रा करती रही और वहाँ पहुंची, उन्होंने अपने आप में अद्भुत पेश किया है। और अब राहुल गांधी दिल्ली से अगर आते हैं तो यही स्थिति फिर से होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी बवाल को लेकर एक के बाद एक नए वीडियो सामने आ रहे हैं और तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया, इसमें एक घायल व्यक्ति पुलिस के सामने दावा कर रहा है कि मंत्री अजय मिश्रा के यहां से निकले काफिले में पूर्व कांग्रेसी सांसद अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास भी था। काफिले की तीन गाड़ियों में से एक फॉर्चुनर गाड़ी में वो सवार था, गाड़ी भी अंकित दास की थी। आपको बता दें कि अंकित दास की काले रंग की फॉर्चुनर गाड़ी उस जीप के पीछे पीछे चल रही थी। इस दौरान बाहर खड़ी भीड़ ने उन लोगों पर हमला बोल दिया। थार जीप किसकी थी और उसमें कौन लोग सवार थे, इस बारे में व्यक्ति ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इतना बता दो, बस मैं पूरे साथ में लेकर पड़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पर बैठे हुए थे, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, थार किसके साथ थी इतना बता दो? थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है वो? इतना बता दो, बस मैं पूरे साथ में लेकर पड़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? भैया वो आगे से थार सबके ऊपर। तो जनता टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चूंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारी सीधे तौर पर ड्राइवर से पूछ रहे हैं कि कौन था, किसकी गाड़ी थी इसमें, इस व्यक्ति ने हालांकि इस पूरे वीडियो में नाम नहीं लिया है, जिक्र बार बार भैया शब्द का हो रहा है, जनता टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तुम आगे बैठे थे, पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ही बताओ? वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर में हुए बवाल के बाद से जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना में मारे गए चार किसानों में से एक गुरविंदर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर परिजन फिर से पोस्टमार्टम कराने पर अड़ गए हैं। परिजनों ने मंत्री के बेटे को बचाने का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम में गड़बड़ी की बात कही थी। परिजनों की मांग के बाद गुरविंदर के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों का रुख देखते हुए गुरविंदर के शव का पोस्टमार्टम एक बार फिर से कराने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें ये पोस्टमार्टम करने के लिए लखनऊ और साथ में दिल्ली, इन दोनों जगहों से टीम बुलाई गई है। इन दोनों जगहों से टीम बुलाई गई थी और दोनों जगहों की टीम ने मिलकर के पोस्टमार्टम किया है। हालांकि राकेश टिकैत कल शाम से ही गुरविंदर के घर पर मौजूद थे, उन्होंने रस्म पगड़ी जो होती है उसके लिए वहां पर वो पहुंचे हुए थे और पोस्टमार्टम को लेकर के जिस तरीके से सवाल या निशान खड़े हुए, डेड बॉडी के शरीर पर गोलियों के निशान है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर इस तरफ इशारा किया गया है कि मौत घसीटने से हुई है। फोन लाइन पर हमारे साथ में अब्दुल कादिर जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट थे परिजन? जी बिल्कुल पूजा जी, आपको बता दें कि जैसा कि कल से परिवार विरोध कर रहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें दिखा दिया जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली जिसमें गोली का कोई जिक्र नहीं था। परिवार का कहना था कि इनकी मौत गोली लगने से हुई है और प्रशासन से लगातार कह रहे थे कि दोबारा इनका पोस्टमार्टम कराया जाए और सही तरीके से कराया जाए, जिसको लेकर चार सदस्य की टीम लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा बहराइच पहुंचाई गई थी। देर रात 4 बजे करीब इनका पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसके बाद परिवार ने संतुष्टि जताई है कि ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें संतुष्टि, इसके बाद इनका संस्कार किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। तो लगातार इस विषय में उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, परिजनों ने दूसरी बार दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी हुई थी। गुरविंदर सिंह का फिर से पोस्टमार्टम हुआ है। श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या 6 अक्टूबर यानी कि आज हिंदू धर्मावलंबियों की ओर से श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है और इस अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ता दिखाई दे रहा है। नारायणी शिला मंदिर के कपाट 11 बजे तक बंद रहने वाले हैं, इसके बाद श्रद्धालु थान पर पूजा कर सकेंगे, यहां पर तर्पण कार्य नहीं होगा। मंदिर के पास मेला भी लगने वाला है। तुलसी चौक से नारायणी शिला होते हुए देवपुरा जाने वाले तमाम रास्तों पर किसी भी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, यानी कि जो हर की पौड़ी वाला क्षेत्र है और गंगा घाट के तमाम क्षेत्रों में डायवर्जन किया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
आपको बता दें कि आज की जो तिथि है उसका बेहद महत्व है हिंदू धर्म में। पितृपक्ष की आखिरी तिथि, जिसे पितरों की विदाई की तिथि कहा जाता है, और आज गंगा में स्नान का, तर्पण का विशेष महत्व होता है। तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब भी उमड़ रहा है, सभी अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक विदाई देने के लिए गंगा के घाट पर पहुंच रहे हैं। माँ गंगा की पूजा अर्चना के साथ ही अपने पितरों की संतुष्टि के लिए यहाँ पर तमाम जो कर्म क्रियाएं हैं वो करते नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। विकास खरे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, मौजूदा हालात जिस तरीके के बने हुए थे, इसके बाद हर की पौड़ी और तमाम क्षेत्रों में जो गंगा से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर डायवर्जन किया गया है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं आपके पीछे हर की पौड़ी का तमाम दृश्य भी देख पा रही हूँ। कैसे हालात है मौजूदा वक्त में, किस तरीके से प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है? विसर्जन प्रात का आज जो महोत्सव है, आज श्रद्धा पूर्वक हरिद्वार में मनाया जा रहा है। हालांकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे और बड़ी संख्या में आज माँ गंगा माता की देखी सभी श्रद्धालु बना रहे, क्योंकि जिस तरह से अच्छी तरह महोत्सव को आज सभी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो अपने अपने पितरों को जो है आज चिंतन यहाँ पर करें और श्रद्धा पूर्वक यहाँ की जो मान्यता उसी मान्यता के अनुसार सब यहाँ पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। हालांकि लोगों को दान दक्षिणा भी यहाँ पर दे रहे हैं और काफी संख्या वहाँ पर जो अलग अलग जगह जो है भंडारे भी चलाए जा रहा है। आप तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे हर की पौड़ी पर फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आज की अगर बड़ी बात में आप कहूँ आज के तापों को ये मान्यता है, क्योंकि आज के दिन सूर्य और चंद्रमा की राशि मिलती है। जिन जो श्रद्धालुओं को हमने पितरों की तिथि नहीं पता है, क्योंकि आज के दिन चंद्रमा भी नहीं निकलते हैं और आज के दिन महत्वता यह है कि वो जो है अपने पितरों का श्राद्ध मना सकते हैं। आज पितृ महोत्सव के सबसे बड़ी यहाँ की महत्वपूर्ण जो है महत्वता है की मानी जाती है और लगातार श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और चूंकि जो इस तरह से डायवर्जन किया गया हरिद्वार प्रशासन पूरा अमला है पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि हर की पौड़ी भी जो है यहाँ पर काफी जो है श्रद्धालु की सुरक्षा के लिए काफी पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा गई। जमीन से लेकर आसमान तक तमाम सुरक्षा व्यवस्था हरिद्वार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। पूजा, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अहम तस्वीरें आपने देखी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चरणबद्ध आंदोलन के बाद बुधवार से हड़ताल के लिए अधिक बिजली कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से बातचीत करी, उसके बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। हालांकि एक दिन पहले ही मुख्य सचिव से वार्ता के बाद विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तेवर नरम पड़ गए थे। मंगलवार की देर शाम मोर्चा ने हड़ताल स्थगित कर दी। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन चला रहा था। मोर्चे ने 6 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से तीनों ऊर्जा निगमों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन ये हड़ताल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुस्तैदी से इस पूरे जो कम्युनिकेशन है उसकी अध्यक्षता करी और अध्यक्षता में मात्र 3 ऐसे बिंदु जिस पर सहमति नहीं बनी है, बाकी सारे ऐसे बिंदु जो मांग थी इन तमाम कर्मचारियों की उनको मान लिया गया है। नहीं, इस संबंध में देखिए माननीय मंत्री हमारे ऊर्जा ने उन्होंने बात करी है और साथ में हमारे मुख्य सचिव बात कर रहे हैं, ऊर्जा सचिव। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो चुकी है, ये कम्युनिकेशन आप सुन रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्होंने पहले ही बोला था कि परिवार की तरह है हमारे ये तमाम कर्मचारी और प्रदेश के विकास के लिए, उन्नति के लिए हम बेहतर तरीके से निर्णय निकालने की कोशिश करेंगे। सीएम धामी ने इस वार्ता की अध्यक्षता करी और वार्ता के बाद जिस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट निकल करके सामने आए हैं वो वाकई सीएम धामी और धामी सरकार को एक कदम आगे रखते हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। नमस्कार।